कहते हैं चीन से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ये कहावत आजकल नेपाल पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। भारत के साथ लद्दाख में उलझा चीन तेजी से नेपाल की जमीन पर भी कब्जा जमा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन नेपाल के एक इलाके में घुसपैठ कर चुका है, वहां इमारतें और बाड़ लगा चुका है और नेपाल के लोगों को वहां से आने से जबरन रोक रहा है। जमीन नेपाल की, पहाड़ नेपाल का, लेकिन कब्जा चीन का। ये बीजिंग के विस्तारवादी साजिश का नया प्रमाण है। ड्रैगन की हड़प नीति के खिलाफ सबसे ताजा सबूत है। देखिए, ये सैटेलाइट इमेज करीब एक साल पुरानी है। तब नेपाल के हुमला जिले में चीन ने कंस्ट्रक्शन किया था, कई इमारतें बनाई थी, लेकिन अब खबर आई है कि चीन ने नेपाल के हुमला जिले में कटीली बाड़ लगाकर पूरे इलाके को घेर लिया है। ये सनसनीखेज रिपोर्ट नेपाल की प्रतिष्ठित वेबसाइट काठमांडू पोस्ट ने छापी है। इसके मुताबिक चीन ने नेपाल के हुमला में 12 से 15 इमारतों का निर्माण किया है, पूरे इलाके को कटीली तार और बाड़ लगाकर घेर लिया है। वहां रहने वाले लोगों को उसे पार करने से रोका जा रहा है। जाहिर है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियमों का खुला उल्लंघन है, लेकिन चीन की पुरानी फितरत रही है कि वो ऐसे किसी भी नियम को मानने में अपनी तौहीन समझता है। वैसे भी नेपाल भारत की तरह ताकतवर नहीं है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। हुमला जिले में चीनी घुसपैठ को लेकर पिछले दिनों नेपाल में प्रोटेस्ट भी हुआ। बैनर पोस्टर लिए लोगों ने चाइना गो बैक के नारे लगाए। इसके बाद नेपाल के गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने नेपाल के गृह मंत्री बाल कृष्ण खांड को जो रिपोर्ट सौंपी वो बेहद चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीमावर्ती इलाके हुमला में नेपाल चीन सीमा पर पिलर संख्या 4 से 13 तक ऐसी कई चीजें देखने को मिली हैं जो बेहद परेशान करने वाली है। पिलर 5.2 और पिलर 4 के बीच चीन की सेना नेपाल के लोगों को अपने मवेशियों को चराने की इजाजत नहीं दे रही, यानी नेपाल के नागरिकों को उन्हीं के इलाके में आने से जबरन रोक रही है। मतलब भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काकर चीन ने उसे आसान शिकार बना लिया। भारत के खिलाफ खुराफात के लिए नेपाल की जमीन को चीन हड़पता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।